चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। और नूर ही नूर था देखते रह गए, नूर ही नूर था देखते रह गए, हम दरे मुस्तफा देखते रह गए, हम दरे मुस्तफा देखते रह गए। जब सवारी चली जिब्रीले अमी, जब सवारी चली जिब्रीले अमी, सूरते नक्शे पा देखते रह गए, सूरते नक्शे पा देखते रह गए। और वो इमामत की शब वो सफे अंबिया, वो इमामत की शब वो सफे अंबिया, मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए, मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए। और नेको बद पर हुआ उनका यकसा करम, नेको बद पर हुआ उनका यकसा करम, लोग अच्छा बुरा देखते रह गए। और मैं नसीराज लाया वो नाते नबी, मैं नसीराज लाया वो नाते नबी, नाद को मुँह मेरा देखते रह गए, नाद को मुँह मेरा देखते रह गए। अल्लाह ताला की हम्द व सना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद नहायत ही वालिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन किराम, जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है, रजबुल मुरजब का ये बाबरकत महीना जारी व सारी है और इस माह रजबुल मुरजब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम को एक अजीम मोजज़ाए मेराज से नवाजा। तो आज हम हुजूर अलैहि सलातु वसलाम के मोजज़ाए मेराज के हवाले से वो अहदीस मुबारक जिनको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम इन दोनों ने सहीहैन के अंदर नकल किया है वो आप अहबाब के सामने गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। दुआ करें खालिक कायनात अपने प्यारे महबूब करीम अलैहि सलातु व तस्लीम की ज़ात अक़दस का सदका इस बंदा नाज़िर को हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जो आयत मुकद्दसा आप अहबाब के सामने तिलावत की है सूरह असरा 15वें पारा के इब्तिदा में। इस सूरत का नाम सूरह असरा इसी वजह से है कि इसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काबतुल्ला से लेकर बैतुल मक़दस तक का जो सफ़र है उसका जिक्र है। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह असरा है, यानी वो सूरत जिसमें हुजूर के सैर का जिक्र है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त खाले की कायनात ने सैर करवाई तो रब्बे लम यज़ल इरशाद फरमाता है सुभान अल्लज़ी पाक है वो ज़ात असरा जिसने सैर कराई बेअब्दी ही अपने खास बंदे को। बेअब्द नहीं फरमाया, हमारा बेअब्दी ही ये उसका खास बंदा है। और अलामा इकबाल ने इसी वजह से कहा था अब्द दिगर अब्द हूँ चीज़ दिगर, अब्द होना अलग शय है और उसका बंदा होना ये अलग शय है। ई सरापा मुंतजर उ सरापा इंतजार, जो अब्द होता है उसे इंतजार करना पड़ता है और जो उसका बंदा खास बंदा होता है उसका इंतजार किया जाता है। फरमाया पाक है वो ज़ात जो अपने खास बंदे को ले गई जिसने सैर कराई लैलन रात के थोड़े से हिस्से में। मुफस्सिरीन कराम ने इस तन्वीन के हवाले से दो मानी बयान किए हैं। एक माना यह है कि ये तन्वीन तन्वीन किल्लत है, कमी पे दलालत करती है कि रात का थोड़ा सा हिस्सा था उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैर कराई गई। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम जिस शब मेराज पे आप तशरीफ ले गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी और जिस पानी से आपने वजू फरमाया था वो भी बह रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस भी तशरीफ ले आए, जंजीर भी हिलती रही बिस्तर भी रहा गर्म, एक आन में सरे अर्श गए और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम। हमारे लैलन रात के थोड़े से हिस्से में मिनल मस्जिद अल हरामी इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद हराम यानी बैतुल्ला से खाना काबा से इलल मस्जिद अल अक्सा फलस्तीन के अंदर जो मस्जिद अक्सा है वहां तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैर कराई गई। और मस्जिद अक्सा आज यूं कहती है कि एक बार और हरम से फलस्तीन में आ, एक बार और हरम से फलस्तीन में आ कि देखती है मस्जिद अक्सा रास्ता तेरा। या रसूलल्लाह आज भी मस्जिद अक्सा आपका रास्ता देख रही है, मुंतजर है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मेराज करवाई गई उसके तीन हिस्से उलमाए इकराम ने बयान किए हैं। एक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम का सफर जो है उसको असरा के साथ तशबीह दी गई। दूसरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफर सफर मेराज, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर किया इसको असरा के साथ तशबीह दी गई। फिर हुजूर फरमाते हैं और जबी इला समा, मुझे आसमानों की तरफ उरूज कराया गया, जहां तक जिब्रील थे वहां तक के सफर को मेराज कहते हैं और उससे आगे का जो सफर है उसको लिकाए रहमान कहते हैं।
रब से मुलाकात का सफर। इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम के फरामीन आलीशान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर मेराज के हवाले से जिनको सहीहैन के अंदर यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने जिन रिवायात को नकल किया है उनमें हजरत कतादा वो हजरत अंस बिन मालिक से वो अपने वालिद ग्रामी हजरत मालिक बिन सासा से रिवायत करते हैं। फरमाते अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अन लैलते उसरिया बी, उस रात के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने खुद हदीस बयान फरमाई, खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया जिस रात मेरे और आपके नबी को सैर कराई गई। ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने दोनों ने इस हदीस मुबारक को नकल किया है और मिश्कातुल मसाबी के अंदर भी ये हदीस मुबारक मौजूद है। हज़रत मालिक बिन सासा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि मुझे जिस रात में सैर कराई गई बैनमा आना फिल खतीमी, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया कि मैं खतीम के अंदर था। मुस्लिम शरीफ की रिवायत के अंदर आता है बैनमा आना नाइमुन फिल खतीमी कि मैं हतीमे काबा के अंदर सोया हुआ था। लेकिन याद रखो हमारे सोने में और नबी के सोने में फर्क है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम का एक और फरमाने आली शान है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तनामु आइनी वला यतनामु कल्बी, लोगों मेरी आंख तो सोती है दिल जाग रहा होता है, आंख सोती है दिल जाग रहा होता है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सोने की कैफियत भी मालूम हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरीके से आराम फरमा थे। आना फिल खतीमे, मैं हतीम के अंदर था। वरुबमा काल फिल हिजरे, और बाद रिवायात में यह कहा गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजर में थे, यानी कि हजरत उम्मे हानी का जो हजरा था उस हजरे में आप आराम फरमा थे। ये दोनों रिवायात मिलती हैं और इसको इमाम बुखारी ने कोट किया है। दोनों रिवायात मिलती हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हतीमे काबा में थे या हजरत उम्मे हानी के घर हुजरे के अंदर आराम फरमा थे। मुस्तजअन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरी ये जो सोने की कफियत थी ये लेटे हुए थी, मैं लेटा हुआ था। इजा आतानी आतिन, इतने में एक आने वाला आता है। फशक मा बैन हाजही इला हाजही, इस हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने हमें कि वो आने वाला आया। अब वो आने वाला कौन था? इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह साहेब मवाहिबुल लदुनिया वो फरमाते हैं आता जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो जो आने वाले थे वो जिबील अमीन थे। जिबील अमीन आए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम को जिस वक्त बेदार करना चाहा, इस हवाले से सीरत निगारों ने मुख्तलिफ रिवायात कोट की हैं। फरमाते हैं जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम को बेदार करना चाहा तो जिबील अमीन ने दिल में यह सोचा कि अब मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे बेदार करूं, आवाज दूं तो यह भी सुए अदबी है, अदब के खिलाफ है, आवाज भी नहीं दे सकता। अब हुजूर को बेदार करूं तो कैसे करूं? पिछले जुम्मतुल मुबारक पर भी हमारा मौजू अदब मुस्तफा था, आज जिब्रील भी हमें अदब मुस्तफा सिखा रहे हैं। अब हुजूर को बेदार करूं तो कैसे करूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाज देता है, फरमाता है जिब्रील मैंने तुझे सारा नूरी बनाया, सिर्फ तेरे होंठ काफूरी बनाए हैं, मेरे महबूब के तलवों पे रख ठंडक महसूस होगी, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। अब जिस वक्त जिब्रील अमीन ने
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम के कदमैने शरीफैन पे अपने काफूरी होंठ रखे, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम बेदार हुए। जिबील अमीन दिल ही दिल में ये कहते हैं, वो शायर ने नक्शा खींचा, शायर कहता है कि न जन्नत की गलियों में देखा, जन्नत में भी फिरता रहा, जन्नत की कलियां भी मैंने देखी, न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा, जो मजा हुजूर की तलियों में आपके कदमैने शरीफैन के बोसा देने में आया है, वो न जन्नत में मजा मिला है न जन्नत की कलियों में मिला है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम जिस वक्त बिदार हुए, साहिबे मवाहिबुल दुनिया वो कहते हैं कि कौन है उठाने वाला, जिबील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूं, जिबील हाजिर हुआ हूं। कहा किस तरह आना हुआ? जिबील अमीन अर्ज करने लगे या मोहम्मद इन्नल्लाह यश्ताकु बिलिकाइका, ऐ प्यारे महबूब रब आपसे मुलाकात का मुश्ताक है, रब ये चाहता है कि आपसे मुलाकात हो, इसलिए आपको बेदार किया जा रहा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम जिस वक्त उठे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू फरमाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हतीम वाली जगह पे आपको लिटाया गया, आपके गले से नीचे और आपकी नाप तक ये जो जगह है इसको काटा गया, काट के आपके सीने अथर को बैर निकाला गया, और फिर रब का कुरान बोलता है अलम नशरह लक सदरक, ऐ प्यारे महबूब क्या हमने आपकी खातिर आपके सीने अतर को चाक नहीं किया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अतर को चाक किया गया। तो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम फरमाते हैं आना फिल खतीम, मैं हतीम के अंदर था, बाद रिवायात में मिलता है वरोबा मा काला फिल हिजर, बाद रिवायात में मिलता है उम्मेहानी के घर में थे, मुस्तजियान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे हुए थे, इज आतानी आतान, इतने में एक आने वाला आता है, फशक्का मा बैन हाजिही इला हाजी यानी मिन सुगरिही नहरिही इला शारतिही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले से नीचे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेर नाप बालों तक ये जो जगह है, वहां इस जगह को चाक किया और मेरे सीने को निकाला गया, फस्तखरजा कल्बी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरे दिल को निकाला गया। आज इस जदीद दौर के अंदर जो दिल का ऑपरेशन होता है, किसी का हो रहा हो तो किसी को मालूम होता है कि मेरे दिल का ऑपरेशन हो रहा है, उसको बेहोश किया जाता है फिर उसका ऑपरेशन होता है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये सारा हो रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं, फस्तखरज कल्बी, हुजूर फरमाते हैं मेरे दिल को निकाला गया, सुम्मा अतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना, माते फिर एक तश्त लाया गया और वो तश्त सोने का था और वो पूरा तश्त ईमान के साथ भरा हुआ था, वो पूरा तश्त ईमान के साथ भरा हुआ था, फगोसिला कल्बी, बस मेरे दिल को धोया गया, सुम्मा हुसिया, फिर उसको उस ईमान के साथ भर दिया गया, सुम्मा उईदा, फिर उसे अपनी जगह पे लौटा भी दिया गया, वफी रिवायतिन सुम्मा गुसल अल बतन बिमा जमजमा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर मेरे पूरे जिस्म को माए जमजम के साथ धोया गया, सुम्मा मुलिया ईमाना, फिर ईमान के साथ भरा गया, वह हिकमतन, और उसमें हिकमत रखी गई, और फिर रब का कुरान कहता है
रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। जो किताब और हिकमत सिखाने वाला नबी बन के आया। तो यहां पे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर मेरे सीने को, मेरे दिल को भरा गया ईमान के साथ और हिकमत के साथ। सुम्मा उती तो बिदाबतिन दून अल बगले व फौक अल हिमार। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर मेरे लिए एक सवारी लाई गई जो खच्चर से छोटी और गधे से थोड़ी बड़ी थी। अबयबा, वो सफेद रंग की थी। युकालु लहुल बुराक, उसे बुराक कहा जाता है। और इस बुराक के हवाले से सीरत नगारों ने लिखा कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने मेराज के लिए तशरीफ ले जाना था, जिबील अमीन जन्नत के अंदर गए, जन्नत में मुख्तलिफ बुराक थे और सारे बुराक खुश थे कि आज हम में से कोई मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम की सवारी बनेगा। और एक रवायत में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सिर्फ मुझे ही बुराक नहीं मिला, अल्लाह ने सारे नबियों को बुराक अता फरमाए हैं। अल्लाह ने सारे नबियों को, जिस वक्त उन्हें मेराज हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बुराक अता फरमाए। और कयामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम इसी बुराक पे सवार होंगे और जन्नत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही सवारी बनेगी। सारे बुराक खुश थे, एक बुराक एक जानब में गमजदा था। जिस वक्त जिबील अमीन गए, सारे बुराकों को देखा, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज की, मौला सारे बुराक खुश हैं लेकिन एक बुराक ऐसा है जो गमजदा है। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, वो जो रो रहा है उसी उठा के ले जाओ, उसी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम की सवारी बना दो। हमारे युकालु लहुल बुराक, उसे बुराक कहा जाता है। और फिर खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम उसकी रफ्तार के हवाले से बयान फरमाते हैं, मा यदहु खतबहु इंद अक्सा तरफिही। मतलब जहां आंख की देखने की नजर की इंतहा होती है वहां पे बुराक का पहला कदम पड़ता है। फहमिल तो अलैहि, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम फरमाते हैं, मैं उसके ऊपर सवार हुआ। सीरत नगारों ने यह लिखा, जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम बुराक के ऊपर सवार हुए तो वो सवार खुशी के मारे वो कूदने लगा। जिबील अमीन ने बुराक को कहा, तुझे पता नहीं तेरे ऊपर कौन सवार हुए हैं? तो बुराक आगे से बोलता है, कहता है कि मुझे पता है कौन सवार हुए, आज खुशी की वजह से मैं कूद रहा हूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम फरमाते हैं, फहमिलतु अलैहि, मैं उसके ऊपर सवार हुआ। फंतलक बी जिब्रीलो, मेरे साथ जिबील अमीन चले। अब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम यहां से मक्कातुल मुकर्रमा से जिस वक्त चलते हैं, दूसरी रिवायत के अंदर जिसको इमाम मुस्लिम ने नकल किया, उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फरकबतु हत्ता अतैतु बैतल मुकद्दसी, मैं उस पर सवार हुआ यहां तक के बैतुल मुकद्दस में आ गया। इसको मुकद्दस भी कहते हैं और मकदस भी कहते हैं, दोनों तरीके से इसको पढ़ा गया है। बाज़ ज्यादा इल्म वाले होते हैं ना, वो एतराज भी करते हैं, और यहां पे मुकद्दस ही लिखा है तो इस वजह से मैं इसको मुकद्दस पढ़ रहा हूं। फरमाते हैं कि बैतुल मुकद्दस के अंदर हम पहुंचे, फरबतु बिल हलकतिल्लती तरबतु बिहल अंबिया, माने मैंने बुराक को उस जगह पे बांधा जहां अंबिया अपनी सवारियां बांधते हैं। मस्जिद अक्सा के अंदर जहां पे अंबिया अपने बुराक बांधते हैं, वहां पे मैंने भी अपने बुराक को बांध दिया।
फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते सुम्मा दखलतुल मस्जिदा, फिर मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। फसल्लैतु फीहि रकअतैन, मैंने मस्जिद के अंदर दो रकातें अदा की। सीरत इब्ने हशाम के अंदर और मवाहिब दुनिया के अंदर लिखा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस वक्त मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो तमाम अंबिया और रसूल वहां पे मौजूद थे। दो रकातें जिस वक्त पढ़ने लगे तो जिबील अमीन ने आका अलैहिस्सलाम को पकड़ के मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया ताकि सारे अंबिया और रसूल आका अलैहिस्सलाम की माइयत में आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ें। हुजूर अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए और वहां पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हसीन और खूबसूरत मौजूद हैं, बड़े बड़े अंबिया वहां पे मौजूद हैं, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अजमतों के नगीने जड़े हैं, मुक्तदी मन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं। और एक और शायर कहता है नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे। थोड़ी ढिली सुभान अल्लाह, तभी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मतलब है अल्लाह पाक है, कोई नहीं अल्लाह के घर में अल्लाह की पाकी बयान ना कर सो देखते कर सो, एक दफा मिलके बोलो सुभान अल्लाह। नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसीन ऐसे महबूबे खुदा ठहरे। हसीनों में ऐसे हसीन कि वो महबूबे खुदा। हुजूर अलैहिस्सलाम का एक और फरमान है आलीशान जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी फजीलत बयान फरमाई कि अल्लाह ने नबियों पर मुझे छह चीजों से फजीलत अता फरमाई। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम से आपकी मस्जिद नबवी में आमद से कबल जब अंबिया का जिक्र कर रहे थे, किसी ने कहा अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बनाया, किसी ने कहा अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह बनाया, किसी ने कहा अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, किसी ने कहा जनाबे इस्माइल को अल्लाह ने जबीहुल्लाह बनाया। सारे नबियों की शानें बयान हो रही हैं। इतने में आमना के लाल आए, मेरे और आपके नबी आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जो कुछ तुमने कहा मैंने सुना, वो जो कुछ तुम कह रहे थे अला हुआ कज़ालिक, वो बात इसी तरह है अला वाना हबीबुल्ला, रब ने मुझे अपना महबूब बना के भेजा है। नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसीन ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उसमें दाखिल हुआ, फसल्लैतु फीहि रकअतैन, मैंने दो रकातें उसमें नमाज अदा की। सुम्मा खरजतु फजाअनी जिब्रील बिइनाइन, फिर मैं मस्जिद से बाहर निकला, जिब्रील अमीन एक बर्तन लेकर आए, मिन लबनिन फख्तरतु लबना, मैंने दूध को इख्तियार किया। और एक रवायत जिसको इमाम मुस्लिम ने नकल किया है सही मुस्लिम के अंदर, फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेरे सामने मुख्तलिफ बर्तन लाए गए, एक में दूध था, एक में शराब थी और एक में शहद था। तो मैंने वो प्याला लिया जिसमें दूध था, तो मुझे कहा गया कि ऐ प्यारे महबूब आपने फितरत को इख्तियार फरमाया है।
आपने फितरत को अख्तियार फरमाया है। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ फरामीन आलिशान मिलते हैं। जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम वहां से मस्जिद अक्सा से जिस वक्त नमाज पढ़ा के बाहर निकलते हैं, आपको ये प्याला पेश किया जाता है। फिर हुजूर फरमाते हैं सुम्मा उरिजा बी इला समा। अब यहां से हुजूर अलैहिस्सलाम का सफर मेराज शुरू होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमातुल मुबारक पर इन्हीं अहादीस मुबारक की रोशनी में अब आपके सामने हुजूर अलैहिस्सलाम का सफर मेराज पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा।